और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हिमाचल से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी की आज 4 रैलियां हिमाचल में होने वाली है। जी हां, सुबह 11 बजे कुल्लू की बंजार विधानसभा में आज सीएम योगी रैली करने वाले हैं। बता दें कि दोपहर 1 बजे बाला में सीएम योगी रैली करेंगे। बड़ी खबर आपको हिमाचल से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आज 4 रैलियां करने वाले हैं। सुबह 11 बजे कुल्लू की बंजार विधानसभा में सीएम योगी रैली करेंगे। दोपहर 1 बजे बाला में सीएम योगी रैली करने वाले हैं, तो वहीं इसके अलावा दोपहर 3 बजे मंडी के नाहन में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं ऊना के गगरेट में भी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी। आपको बता दें कि आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं सीएम योगी, जहां पर सीएम योगी की आज 4 रैलियां हैं। वहीं सुबह 11 बजे कुल्लू की बंजार विधानसभा में सीएम योगी रैली करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे बाला में सीएम योगी रैली करेंगे। इसके अलावा दोपहर 3 बजे मंडी के नाहन में सीएम जनसभा करेंगे। जनसभा को इस दौरान वे संबोधित करने वाले हैं। ऊना के गगरेट में रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको हिमाचल से लगातार बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं आज सीएम योगी, 4 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 11 बजे सबसे पहले कुल्लू की बंजार विधानसभा में रैली होगी। दोपहर 1 बजे बाला में सीएम योगी रैली करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे मंडी के नाहन में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं ऊना के गगरेट में भी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी। लगातार आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जिसे लेकर आज सीएम योगी 4 रैलियां करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में। वे आज दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले सुबह 11 बजे कुल्लू की बंजार विधानसभा में वे रैली करने वाले हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से विशेष संवाददाता शुभकांत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आज हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं और वे कई जनसभाएं करने वाले हैं, बताया जा रहा है आज उनकी 4 रैलियां हैं। कैसा इसको देखने को हमें मिल सकता है, क्या असर चुनाव में इसका पड़ सकता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जैसे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी भी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, तो वहीं सीएम योगी भी आज हिमाचल दौरे पर हैं जिसमें वे रैलियां करने वाले हैं। क्या कुछ हमें असर देखने को मिल सकता है चुनाव में? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं और कंटेनिंग के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं बीजेपी की तरफ से। जहाँ भी चुनाव होता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह योगी की, मोदी के बाद योगी की ही रैलियां सबसे ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ। शुभकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज देखा जाए तो सीएम धामी भी, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम धामी भी आज हिमाचल दौरे पर रहने वाले और सीएम योगी भी, तो किस तरह से पूरे रूट डाइवर्ट किए गए हैं, क्या कुछ तमाम जानकारी है सुरक्षा व्यवस्था? जी देखिए, हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था जो है, दो दो स्टेट के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से चाक चौबंद है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि गुजरात का जो चुनाव, शुभकांत जी तमाम जानकारी देने के लिए, तो लगातार आपको बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश की बता रहे हैं, जो हाँ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी 4 रैलियां करने वाले हैं। सुबह 11 बजे कुल्लू की बंजार विधानसभा में सबसे पहले रैली करेंगे, उसके बाद दोपहर 1 बजे बाला पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी बाला में रैली करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर 3 बजे मंडी के नाहन में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आखिरी में वह ऊना के गगरेट में रैलियां संबोधित करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश की बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आज 4 रैलियां करने वाले हैं।